मैं सुने इसका थर्ड का आवाज, ठीक है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं टाटा की टिगोर के बारे में। ये कि फोर स्टार टाटा कार है, यानी कि ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में फोर स्टार हासिल की है, और ये कि कॉम्पैक्ट सेडान है। भाई सेडान है और आपको मिलेगी सेफ्टी के साथ, अच्छी खासी सेफ्टी टाटा की तरफ से। और अभी 2023 में कुछ चीज़ें इसमें अभी नया जो एड ऑन किया गया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और कंपनी ने फाइनली उसको दे भी दिया है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट एक्सजेड प्लस व्हाइट कलर, जैसे देख पा रहे हो टाटा की टिगो। वैसे तो टाटा टिगो रख मिल जाती है चार वेरिएंट के साथ, एक्ससी, एक्सएम, एक्सजेड एंड एक्सजेड प्लस। और एक्सजेड प्लस इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। लेकिन भाई एक्सजेड प्लस के ऊपर और एक वेरिएंट इसमें एड ऑन कर दिया गया है, जो कि एक्सजेड प्लस एलपी, यानी कि लेदर पैक वाली गाड़ी। अगर आप चाहते हो टाटा टिगोर की लेदर सीट वाली गाड़ी, वो भी आपको मिलने वाली है कंपनी से ही, यानी कि एक्सजेड प्लस एलपी एक न्यू वेरिएंट अभी आपको मिलेगी टाटा की टिगोर में। तो प्राइसिंग भी आपको उसी हिसाब से मिलने वाला है, यानी कि टाटा टिगोर एक्सजेड प्लस मैनुअल का एक्सट्रीम प्राइस आ जाएगी 7,90,000 की, जबकि टाटा टिगोर एक्सजेड प्लस एलपी वेरिएंट का जो है एक्सट्रीम प्राइस आ जाएगी 8,00,000 रुपए। यानी कि अगर आप चाहते हो लेदर बैग वाली गाड़ी लेने के लिए टाटा टिगोर की, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेगी इसके एक्सजेड प्लस के मुकाबले। और फ्रंट में मिल जाती है प्रोजेक्टर टाइप की हेलोजन की हेडलाइट, हाई बीम आपको मिल जाती है भाई हेलोजन बेस, एंड नीचे मिल जाते हैं फॉग लाइट का प्रोफाइल, एंड इसके साथ आपको मिलेगी DRL जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। एंड स्मोकी पैटर्न भी रखा गया है इसके ऊपर, प्लस क्रोम की एसेंट भी रखी गई है इसके ऊपर में, और एक क्रोम की लाइनिंग, बोल्ड लाइनिंग यहाँ पे दी जा रही है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरी कनेक्टिंग मिलेगी, और इसके बीच में आपको मिल जाती है ट्रायर डिजाइन का पैटर्न, ये आपको मिलेगी क्रोम के साथ टाटा का लोगो, और ये रहा इसका फ्रंट का प्रोफाइल। तो मैं आपको बता दूँ भाई, गाड़ी जो है डिलीवरी रेडी हो चुकी थी, और नंबर प्लेट इसलिए हमने छुपा, क्योंकि जो गाड़ी के जो ओनर है वो नहीं चाहते हैं गाड़ी का नंबर एक्सपोज हो, इसलिए हमने इसके नंबर प्लेट को जो कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है आज ही चली जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और क्रोम की एक लाइनिंग भी आपको, सॉरी दो लाइनिंग आपको मिल जा रही है भाई, ये देख लो गाड़ी अभी वॉश होना बाकी है, ठीक है ना। तो ये कैसे फ्रंट का प्रोफाइल टाटा की टिगोर का, और ये इसका इंडिकेटर, एंड इंडिकेटर मिल जाती है हेलोजन के साथ भाई, ये रही, ठीक है ना। तो ये रस्का भाई फ्रंट का प्रोफाइल टाटा टिगोर, जिसे देख पा रहे हो, एंड इसका की भी आपको दिखा दूँ। ये रस्का की भाई ब्लर हो रही है अभी, हाँ, लॉक ऑन का बटन, होटल का बटन भाई देख लो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है ना, ये देख लो भाई। तो ये हो गया इसके की। अभी आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो भाई कॉम्पैक्ट सेडान है, यानी कि अंडर 4 मीटर सेगमेंट आती है गाड़ी, और जैसे कि देख पा रहे इसका ऑलॉय का प्रोफाइल, तो आपको मिल जाते हैं 175/60 एंड 15 इंच का आपको यहाँ पे ऑलो दी जा रही है। फ्रंट में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक ऑप्शन, पीछे आपको मिलेगी ड्रम ब्रेक ऑप्शन। ये रहा इसका ऑलो का पूरा प्रोफाइल टाटा टिगोर का। डोर हैंडल को मिल जाते हैं भाई क्रोम एसन के साथ, ये रही, एंड आपको मिलेगी ग्लॉसी कलर में इसका ओआरबीएम विद टर्निंग इंडिकेटर यहाँ पे, ठीक है ना। बेल लाइन आपको मिल जाती है क्रोम के साथ, ये देख लो। और अभी आते इसके रियर प्रोफाइल में, तो ये इसका रियर प्रोफाइल टाटा टिगोर का। एलईडी की टेल लाइट आपको मिल जाती है, इंडिकेटर आपको मिलेगी हेलोजन के साथ, और क्रोम की बोल्ड यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको मिलेगी टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड टाटा ने अपनी टॉप एंड वेरिएंट से सेंसर को हटा दी है, तो आपको यहाँ पे सेंसर कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। बाकी एक क्रोम की लाइनिंग बॉटम में दी जा रही है, रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिल जा रही है हेलोजन के साथ, ठीक है ना। और ऊपर आपको मिलेगी भाई रियर डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, काफ़ी लंबी आपको मिलेगी कॉम्पैक्ट सेडान में, और कोई भी गाड़ी इतनी लंबी स्टॉप लैंप आपको नहीं देती है, जो कि आपको यहाँ टाटा की टिगोर ऑफर करती है। एंड ये रहा इसका सस्पेंशन एंटीना, आपको मिलेगी ग्लॉसी कलर में, और भाई देख लो इसका रियर प्रोफाइल टाटा टिगोर का। एंड ये रहा इसका बूट स्पेस, मैं देख लो सेडान की सबसे अच्छी बात है कि आपको बूट स्पेस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो ये देख लो भाई इसका बूट एरिया, एंड इसको उठाएंगे तो आपको मिलेगा इसका स्पेयर व्हील, भाई ये देख लो, ठीक है ना। अभी करते हैं इसको बंद, हो जा भाई बंद। तो दिखा दो इसका इंटीरियर और क्या इसमें एड ऑन किया गया है। ये कुछ इसका बटन आपको मिल जा रही है यहाँ पे। तो फाइनली कंपनी ने इस गाड़ी में अपग्रेडेशन कर दिया है, यानी कि अभी आपको एक स्टड जैसे कि यहाँ पे मिलता था लॉक का, वो दिखने वाली नहीं है, देख लो यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी। लॉक चेंज हो चुकी है टाटा की टिगोर में, और फाइनली कंपनी ने ये चीज़ कर दिया है इस गाड़ी में। ये आपको मिलेगी डुअल टोन के साथ, इसका जो डोर पैनल है ब्लैक है, यहाँ पे बेज कलर आपको मिलेगी, थोड़े से डार्क कलर में है। बोटो होल्डर, स्पेस,
पावर उनके स्विचेस वगैरह यहाँ पे दी जा रही है, एंड ऑटो फॉलो आरएम का स्विच आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसका जो ड्राइवर साइड आपको मिलेगी ऑटो डाउन का फीचर, ठीक है ना, ये मिलेगी आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ। इसका जो ड्राइवर सीट है और सीट कवर भाई डाला गया है, यानी कि इसके जो ओनर है ना उन्होंने इसमें डाली है ये सीट कवर्स, ठीक है ना। चाबी को रखते हैं यहाँ पे, मेरा मोबाइल को रखते हैं यहाँ पे और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ये रहा इसका डैशबोर्ड का पूरा प्रोफाइल आपको मिलेगी, डुअल टोन ब्लैक है, डार्क बेज है, ग्लो बॉक्स देख लो, ठीक है ना। हरमन की टच स्क्रीन, स्टार्ट करते हैं इसको भी, पुश स्टार्ट बटन का स्विच, चाबी को यहाँ रखते हैं वरना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो भाई इसका टच स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है और आपको मिल जाती है एंड्रॉयड ऑटो अपना कार प्ले वाले फीचर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यूएसबी, रेडियो, कॉन्टैक्ट्स, पार्क असिस्ट, यहाँ पे इसका देखें कैमरा क्वालिटी भाई देख लो, तो आपको मिलेगी गाइडलाइन के साथ। स्टेयरिंग घुमाएंगे तो ये भी घूम रही है देखिए, ठीक है ना। बस यही आपको मिलने वाला है इसके टच स्क्रीन में। उसके नीचे मिल जाती है भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, ये रखा गया है। यूएसबी का पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दी जा रही है। स्पेस आपको मिल जाती है, ये भाई मैनुअल वाली गाड़ी है, तो ये इसका गियर लीवर 5 स्पीड के साथ आती है, मैनुअल गियर लीवर, ये आपको ऑटोमेटिक के साथ भी आपको मिल जाएगी ये गाड़ी। और यहाँ पर मिलेगी कप शोल्डर, एक सॉकेट आपको यहाँ पर भी दी जा रही है भाई, ये देख लो, ठीक है ना। सीट कवर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस गाड़ी के जो ओनर है उन्होंने डाल रखी है, तो कंफर्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी इस गाड़ी में। ये इसका क्लस्टर जो कि आपको मिलेगी फुल्ली डिजिटल के साथ, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर सब कुछ मिलने पर डिजिटली, और ट्रिप ए ट्रिप बी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। ये भाई इसका स्टड एक छोटा सा, जिसे आप देखिए एवरेज, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑडोमीटर, यहाँ पे औसत टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका क्लस्टर कह रही है टाटा टिगोर का। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाती है भाई, ये रहा इसका स्टेयरिंग ऑटो कंट्रोल फीचर। क्रूज कंट्रोल आपको नहीं दी जा रही है, पता नहीं ये कब ऐड करेगी इस गाड़ी में। वॉइस कमांड हो गया यहाँ पे, टेलीफोन कंट्रोल्स, ब्लूटूथ यहाँ पे दी जा रही है देखिए, और ये आपको मिलेगी टिल्ट के साथ इसका जो स्टेयरिंग व्हील है। लाइट का कंट्रोल्स, वॉशर वॉकर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एसी के वेंट्स के ऊपर आपको मिल जाती है क्रोम की एसेंट, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, छोटा सा यहाँ पे स्पेस आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ये रही मैनुअल आपको मिल जाते हैं, IRVM, वैनिटी मिरर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं मिरर, माइका प्लेसिंग, नहीं मिलेगी आपको रीडिंग लैंप इस जगह में, सेंटर में बस दी जा रही है रीडिंग लैंप, ये रही LED के साथ। तो फ्रंट रो में आपको इतने ही मिलने वाला फीचर्स के हिसाब से टाटा की टिगोर में। अभी करते हैं इसको बंद और चले चलते हैं इसके रियर सीट में। सो ये इसका रियर सीट, एंड भाई सुने इसका थर्ड का आवाज़, ठीक है। तो इसका रियर सीट भाई देख लो और बैठ ही जाते हैं। तो रिक्लाइन एंगल काफ़ी सही मुझे मिल रहा है यहाँ पे, आपको मिलेगी रियर आर्म रेस्ट भाई, ये पूरी कवर की गई है, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ये रही देखो इसका रियर आर्म रेस्ट, ठीक है, बंद कर देना फिलहाल के लिए। फिक्स वाली आपको मिलेगी हेड रेस्ट रियर में, एडजस्टेबल आपको दी जा रही है फ्रंट में, और कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा स्पेस आपको मिल जाता है इसके रियर में, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ, ग्रैब हैंडल यहाँ पे हो गया और वहाँ पे भी दी जा रही है, बस यही है, और कुछ भी आपको ऑफर नहीं करते इसके रियर सीट में। तो अभी बात आती है भाई सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर क्या क्या आपको मिलेगी आज सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में, यानी कि टाटा की टिगोर में। और अगर इंजन की बात करूँ तो 1.2 लीटर की रेवर्टन BS6 फेज 2 इंजन आपको मिलेगी टाटा की टिगोर में, जो कि पावर निकालेगी 86 PS की, 113 Nm का इसका टॉर्क है इस गाड़ी का, ठीक है। तो अपग्रेडेशन आपको दो चीज़ में की गई इस गाड़ी में, एक है भाई इसका इंजन को लेके, दूसरा जो है इसका लॉक को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में थी कि भाई गाड़ी में लॉक कब चेंज करेगी कंपनी। तो फाइनली लॉक भी चेंज हो गया, एंड इंजन में भी आपको थोड़ी सा भी ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको मिलेगी टाटा की टिगोर में, क्योंकि अभी आपको मिलेगी BS6 फेज 2 इंजन के साथ ये गाड़ी। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले में, धन्यवाद।